हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज के टाइम में चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी को चेहरे पे पिंपल्स होना और उसमें से पस निकलना, साथ ही उनके बाद में स्पॉट्स रह जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। और आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तब तक आपको बेनिफिट मिलता है, और जैसे ही आपका ट्रीटमेंट बंद होता है, वापस से वह हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से या गलत खान पान की वजह से फिर से होने लग जाते हैं आपके चेहरे पर पिंपल्स। तो क्या करें, कौन सी मुद्रा लगाएं जिससे आपको क्लियर स्किन मिले? तो हम बात कर रहे हैं समान मुद्रा की। समान मुद्रा कैसे लगानी है, बिल्कुल ध्यान से देखें। बहुत ही सिंपल मुद्रा है, पर इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा असरदायक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, या फिर आप सोफे पर चेयर पे बैठ के भी लगा सकते हैं समान मुद्रा। समान मुद्रा को मुकुल मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें आपको अपने फोर फिंगर के टिप को थंब के टिप से टच करना है, कुछ इस प्रकार समान मुद्रा बनाई जाती है। समान मुद्रा को इस प्रकार आप बना करके घुटनों पर रखें और आंखों को बंद करते हुए आपको चेस्ट ब्रीथिंग करना है। गहरी लंबी श्वास आपको लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। जितनी श्वास आप ले उससे डबल श्वास आप छोड़ने की कोशिश करें। तो वीडियो में ध्यान से देखें कैसे करना है और किन्हें नहीं लगाना है समान मुद्रा, ये भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे चेस्ट ब्रीथिंग करें। छोड़े श्वास, आपको 10 मिनट तक प्रैक्टिस करना है समान मुद्रा की। खाली पेट करें तो और भी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपने हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं। अब किन्हें समान मुद्रा की प्रैक्टिस नहीं करना है, जो प्रेग्नेंट वुमन्स हैं वह अवॉइड करें, साथ ही जिनके पाम्स में, रिस्ट में या फिंगर्स में किसी भी प्रकार की इंजरी है वह समान मुद्रा की प्रैक्टिस को ना करें। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और साथ ही कफ, कोल्ड, फीवर यदि आपको एट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी आपको समान मुद्रा की प्रैक्टिस अवॉइड करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।